टोक्यो ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन कर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किए जाने का सिलसिला भारत में लगातार जारी है। ओलंपिक के पदक विजेताओं को आज लखनऊ में सम्मानित किया गया। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। सम्मान समारोह में पदक विजेता नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, पीवी सिंधु, लवलीना बोरगोहन, बजरंग पुनिया और पुरुष हॉकी टीम को सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा समेत सभी पदक विजेताओं को सम्मान राशि प्रदान की गई। राज्य सरकार ने गोल्ड मेडलिस्ट को 2 करोड़, सिल्वर मेडलिस्ट को 1.5 करोड़ और कांस्य पदक विजेताओं को 1 करोड़ की सम्मान राशि प्रदान की। समारोह से पहले कई रंगारंग कार्यक्रम पेश किए गए। वहीं कान्हा स्टेडियम के बाहर सुरक्षा व्यवस्था के बेहद चाक चौबंद इंतजाम देखे गए। कार्यक्रम के बाद ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों ने द भारत टीवी से खास बात की। यूपी से हूँ, ये मेरा फर्स्ट ओलंपिक्स था तो मैं गई थी, मतलब काफ़ी अच्छा लगा था, मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला इसमें। सर बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब पहली बार ऐसे हुआ है कि मतलब दूसरे स्टेट के प्लेयर को बुला के सम्मानित किया जा रहा है, पहले कभी नहीं होता था, तो इसको देख के मतलब बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहा है और सभी प्लेयर्स को बुलाया गया है, तो अभी आने वाले जो आगे मतलब बच्चे आएंगे उन्हें मतलब काफ़ी मोटिवेट मिलेगा और सभी लोग अच्छा करेंगे। ओलंपिक्स में जैसे कि अभी जैवलिंग थ्रो, मतलब पहले ये था कि जैवलिंग थ्रो कोई जानता नहीं था, जैसे कि हम लोग कहीं पे जाते थे तो बोलते थे कि आप कौन सा इवेंट करते हैं, तो हम लोग बोलते थे कि जैवलिंग थ्रो करते थे, तो लेकिन लोग समझ नहीं पाते थे, फिर उनको बोलना पड़ता था कि मतलब बोलते थे कि जो डंडा जो आप फेंकते हो, लेकिन अभी जैवलिंग थ्रो में फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल आया, तो मतलब अभी बच्चा बच्चा जान रहा है कि जैवलिंग थ्रो क्या है। सर बहुत अच्छा लग रहा है, मोटिवेट मिल रहा है, तो आगे जो यंग प्लेयर आएंगे उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और पहली बार मतलब ऐसे हो रहा है कि दूसरे स्टेट के प्लेयर को बुला के ही मोटिवेट किया जा रहा है। लखनऊ में बहुत अच्छा लग रहा है, लखनऊ में लिए हमेशा लकी रहा है क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम जो नेशनल रिकॉर्ड किया था वो लखनऊ में किया था और मैं भी मतलब यूपी से रहने वाली हूँ तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है। वहीं इस मौके पर उत्तर प्रदेश के खेल मंत्री उपेंद्र तिवारी ने कहा कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार बहुत से कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों के विकास के लिए भी काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बने और उन्होंने खेलो इंडिया खेलो का नारा दिया, जो फिट इंडिया का नारा दिया वो नारा नहीं, वो विजन है और वो विजन का असर रहा कि जो खिलाड़ी हमारे घर के चारदीवारी में कैद थे वह खेलो इंडिया खेलों के तहत चारदीवारी को तोड़ करके उत्तर प्रदेश देश और दुनिया के कोने कोने से पदक जीत करके ला रहे हैं और उसका असर था कि आज़ादी के 75 साल के इतिहास में पहली बार 7 पदक माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर आया है और आज 40 वर्षों के अंदर पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर पदक माननीय योगी जी के नेतृत्व में आया है। यह निश्चित रूप से खेलो इंडिया खेलों का और फिट इंडिया का प्रभाव रहा है और इस तरह से माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से खेल की प्रतिभाओं को बढ़ाने के लिए, खिलाड़ियों के मान सम्मान और सम्मान को आगे बढ़ाने के लिए, उनके बीच में प्रतिस्पर्धा कायम करने के लिए जिस तरीके से पुरस्कार धनराशि 42 करोड़ रुपए की दी गई है और जिस तरीके के खेलों के विषय में कई घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है, यह निश्चित रूप से आने वाले दिनों में यह उत्तर प्रदेश पूरे देश और दुनिया को दिशा देने वाला है और इसलिए ग्रामीण हो या शहर हो, क्रिकेट हो या हॉकी हो, फुटबॉल हो या इंडोर स्टेडियम हो या एथलेटिक्स हो, कोई भी खेल हो, हर खेलों में प्रतिभाएं उभर के आएंगी। देखिए, सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कोट कोट धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने जो कुश्ती को गोद लिया है और जो गांव का खेल है, पहले हर गांव में नाग पंचमी पर हर त्यौहार पर कुश्ती होती थी और कुश्ती वो गेम है जो लगातार 4 ओलंपिक से मेडल देने का काम कर रहा है और जो योगी जी ने पूरे भारत की कुश्ती को गोद लिया है और लखनऊ में एक एकेडमी दिया है, नोएडा में एक इंटरनेशनल एकेडमी दिया है और इससे निश्चित ही आने वाले 2024 में हमारी संख्या डबल हो सकती है कुश्ती में। उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक और यूपी हॉकी के सचिव डॉक्टर आरपी सिंह ने इस मौके पर कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में खेल के विकास पर तेजी से काम किया जाएगा। आज ओलंपिक विजेताओं को सम्मान दिया गया तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। देखिए, ये हमारे प्रदेश के लिए बहुत गौरव की बात है कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना करते हैं, तो ये प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये जो कार्यक्रम किया गया है
आप देख रहे होंगे प्रदेश की किसी स्टेट ने नहीं किया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आशीर्वाद था, प्रेरणा थी कि हमको ऐसा कार्यक्रम करना है और बहुत जल्दी हम लोगों ने किया है, आप देखें। और खुशी की बात है कि हमारे सभी खिलाड़ी हम लोगों के अनुरोध पे यहाँ पे आए, जिनका सम्मान किया गया। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे 75 जिले से भी महिला और पुरुष खिलाड़ी यहाँ पे आए हुए थे, उन्होंने भी अपने सामने ये प्रोग्राम देखा है। उसमें से बहुत लोग प्रेरित होंगे कि हम आने वाले दिनों में इन खिलाड़ियों की तरह बने और अपने अपने जनपद में जाएंगे, वो लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसमें खेल का और अच्छा वातावरण बनेगा। और हम चूँकि भारत में उत्तर प्रदेश सबसे युवा प्रदेश है और सबसे यूथ हमारे उत्तर प्रदेश में रहते हैं, तो युवाओं के लिए ये प्रोग्राम हुआ है, बहुत खुशी की बात है। सर, देखा जाए खिलाड़ियों के लिए ग्रामीण स्तर में स्टेडियम नहीं है, उसके लिए क्या व्यवस्था की जाए? नहीं, आपने देखा आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि हर ग्राम पे एक खेल मैदान का हम उपलब्ध कराएंगे। और जब हर ग्राम पे खेल मैदान की बात हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जहन में ये बात है। जब उनके है तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इसका क्रियान्वयन भी होगा। समारोह के दौरान युवा खिलाड़ियों में भी जबरदस्त उत्साह दिखा। उन्होंने पूरे जोश के साथ कहा कि एक दिन वो भी देश के लिए ओलंपिक मेडल हासिल करेंगी। आपने जैसा देखा ओलंपिक में जो सम्मान दिया गया, उसके लिए क्या प्रेरणा आपने सीखी? बहुत अच्छी नॉलेज मिली है और आगे जाके हम भी कुछ करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करके मेहनत करके कुछ बनना चाहते हैं। उनको देख के हमें बहुत ज़्यादा हौसला फील हुआ, हम भी अच्छा करना चाहते हैं। ये जो भी सम्मान हुआ खिलाड़ियों का, ये देख के हमें अपने आप में बहुत प्राउड फील हो रहा है। और मुझे नीरज भैया पे और मीरा दी वेटलिफ्टिंग, पीवी सिंधु आदि सब पे हमें बहुत गर्व है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हमारे इंडिया के लिए उन्होंने कुछ किया है, हमारे देश के लिए कुछ किया है। और यहाँ पे देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील हुआ और मोटिवेट हुए हैं हम लोग कि हम खेलें और ज़्यादा अपनी मेहनत लगाएं और ज़्यादा हम लोग तेज़ करें और हम पहुँचे ऐसे मुकाम तक जहाँ तक हम लोग यहाँ पे फिर आएँ। मगर इस बार हम लोग वॉल्टियन यहाँ पे ऐसे बन के नहीं, बट मेडल लेके आए हैं हमारी इंडिया के लिए और हम अपनी इंडिया को गर्व इतना। आप देखा है ओलंपिक विजेताओं को सम्मान समारोह किया गया है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? इसके विषय में यही मैं कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार की तरफ से। इसे खेलों की तरफ लोगों को रुझान बढ़ेगा और खेलों की तरफ लोग मोटिवेट होंगे। तो हम चाहते हैं कि सरकार भी अपनी तरफ एफर्ट करे और खिलाड़ियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएँ प्रोवाइड करे कि और खेल से जुड़े। और खेल ऐसा ही चीज़ है कि खेल से फ़ायदा ही हो सकता है, आपको नुकसान हो नहीं सकता, चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे फिर और उससे रोज़गार भी मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट भी मिल रहे हैं। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे खेलने से भी बहुत सारे अच्छे अच्छे पोस्ट पे भी जा सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक में इस बार जिस तरीके से भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है, उससे कहीं ना कहीं पूरा देश गौरवयुक्त महसूस कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अटल बिहारी इकाना स्टेडियम में, जहाँ योगी सरकार ने ओलंपिक विजेताओं को सम्मान समारोह के तहत सम्मानित किया है। कहीं न कहीं अगर देखा जाए, आज इकाना स्टेडियम ओलंपिक विजेताओं के लिए गवाह बना है। कैमरा पर्सन रघु के साथ सुरेश सिंह राणा, द भारत टीवी, लखनऊ।